नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार की तरफ से एक बार फिर बिहार की बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही बेटियों के शिक्षा पर जोर देते रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर कई सारी योजना की जो शुरुआत है वो भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो इंटर में नामांकन को लेकर पहले छात्राओं को काफी परेशानी होती थी, खास करके सीट कम होने की वजह से कई ऐसी छात्राएं हैं जिनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें इंटर में नामांकन में सीटों की अगर हम बात करें तो इसे दोगुना कर दिया गया है ताकि छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही बाधित ना हो। इसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, कितनी सीटें बढ़ाई गई है और इसका कितना फायदा अभ्यार की बेटियों को मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर नामांकन में इस बार करीब 8 लाख सीटों पर बेटियों का दाखिला होगा। ये पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 गुना अधिक है। पिछली बार करीब 3,15,000 सीटों पर छात्राओं का नामांकन हुआ था। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार बोर्ड ने राज्य भर के सभी बालक स्कूलों को क्वेट कर दिया है। ऐसे में जिन स्कूलों में छात्राएं नामांकन नहीं ले पाती थी उसमें भी अब उन्हें दाखिले का मौका मिलेगा। इस कारण सूबे के सभी 5,946 कॉलेज और स्कूलों में बेटियों का दाखिला हो सकेगा। इससे राज्य भर में छात्राओं की सीटें बढ़ गई हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड की माने तो वर्ष 2021 में 3,664 स्कूल कॉलेजों में इंटर में नामांकन लिया गया था। इसके लिए 17 लाख से अधिक सीटें जो हैं वो निकाली गई थी। ऐसे में इस बार की अगर हम बात करें तो 2,318 उत्क्रमित विद्यालय शामिल होने से सीट की संख्या 21 लाख से अधिक होगी। ऐसे में कॉलेज और स्कूल के साथ इंटर में सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। इसका फायदा छात्रों के साथ छात्राओं को भी मिलेगा। अब राज्य के हर स्कूल में छात्राओं को नामांकन का मौका मिलेगा। छात्राएं अपनी सुविधा के अनुसार नामांकन ले पाएगी। साथ ही बिहार बोर्ड के अनुसार 9 मई को मैट्रिक कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा समाप्त हो जाएगी। मूल्यांकन 15 मई से पहले शुरू होगा और साथ ही रिजल्ट के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इससे पहले इंटर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और साथ ही साथ आपको बताएं कि इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन के लिए जो तारीख है वो भी बताई जाएगी, जिसके बाद मैट्रिक विशेष परीक्षा में शामिल 50,000 से अधिक छात्राओं को इंटर में नामांकन लेने का मौका भी मिलेगा। तो बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से, जहां एक तरफ सीट कम होने की वजह से कई ऐसी छात्राएं हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता था, तो वहीं अब स्कूल और कॉलेजों को क्वेट कर दिया गया है, जहां पे अब ये बड़ा एक कदम है उन छात्राओं के लिए और साथ ही साथ अब उन्हें ये भी जो है चयन करने का अधिकार है कि वो कहां एडमिशन लेने चाहती है, किस कॉलेज या स्कूल में अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती है, जिसको लेकर बहुत जल्द शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी जो तारीख है वो जारी कर दिए जाएंगे कि आखिर आवेदन कब किए जाएंगे। एडमिशन को लेके जो फैसला है वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से आगे आने वाले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो नामांकन में छात्राओं की सीटों को लगभग दोगुना कर दिया गया है, जिसका बड़ा फायदा अब बिहार की बेटियों को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।